मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर नजर रखें। उत्तर भारत के कई राज्यों में चढ़ेगा पारा। मौसम विभाग ने बताया कि इन इलाकों में होगी बारिश। आपको बता दें, उत्तर पश्चिम भारत के कई राज्यों में मौसम का मिजाज अब बदल रहा है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में तापमान में वृद्धि का पूर्वानुमान जताया है। इसके अलावा कुछ राज्यों में बारिश की भी संभावना जताई गई है। यूपी में बर्फीली हवाएं कर रही परेशान, यहां हो सकती है बारिश। जाने क्या कहता है आज के मौसम का मिजाज। इन जगहों पर बारिश बर्फबारी की चेतावनी। मौसम विभाग की माने तो 17 से 19 फरवरी तक कई पहाड़ी इलाकों में हल्की बारिश या बर्फबारी देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक कश्मीर और लद्दाख के सुदूर इलाकों में 17 से 18 फरवरी के बीच हल्की बारिश या बर्फबारी देखने को मिलेगी। वहीं पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश में भी 17 फरवरी तक बारिश का दौर जारी रह सकता है। उत्तर प्रदेश के मौसम में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। हवा में ठंडक के चलते सर्दी का एहसास सुबह शाम अभी भी है। पहाड़ों में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की वजह से प्रदेश में तेज हवाएं चल रही हैं। कई जिलों में तेज हवाएं चली जिनकी वजह से लोग ठंड से कांपते नजर आए। मौसम विभाग के मुताबिक हवाओं का ये दौर जारी रहेगा और फिर पारा बढ़ेगा। कल यानी 17 फरवरी को नए सिस्टम एक्टिवेट होगा, जिससे 28 फरवरी के बाद राज्य में गर्मी दस्तक दे सकती है। मार्च में तेज गर्मी का एहसास होने के आसार जताए जा रहे हैं। लखनऊ स्थित आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने बताया, लखनऊ में तेज हवा का असर देखने को मिला, जिसके चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई। हवाओं का असर जारी रहेगा। राजधानी में दिन में चटक धूप के साथ ज़्यादा हवा का असर नहीं दिखा पाई, लेकिन शाम होते ही ठंड बढ़ने लगती है। रात में न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे चला गया। लोगों को एक बार फिर कंबल में दुबकने को मजबूर होना पड़ रहा है। 17 फरवरी से गर्मी फिर अपना रूप दिखाएगी। फरवरी महीना आधा खत्म हो चुका है और लोगों को धीरे धीरे ठंड से राहत भी मिलने लगी है। ठंड अब विदाई पर है। मौसम के मिजाज में तेजी से बदलाव देखने को मिल रहा है। दिन में बढ़िया धूप निकलने से लोगों को बड़ी राहत मिल रही है। धीरे धीरे लोगों को गर्मी का एहसास भी होने लगा है। हालांकि पहाड़ों से आ रही ठंडी हवाओं के कारण अभी तापमान में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।